समझा दूंगा, हालांकि सेम ही रहता है, हार्डली कुछ डिफरेंस होता है, बट मैं फिर भी आपको बाद में वापस, मेरे को एक्चुअली वो टेक्स्ट बुक नहीं मिल रही है, तो जैसे ही मुझे वो टेक्स्ट बुक मिलेगी ना, मैं उसमें से भी आपको पढ़ा दूंगा। तो अभी फिलहाल मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, फिर वापस हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। मेन हमें कंसेप्ट सीखना है इस चैप्टर में, कंसेप्ट बहुत सारी चीज़ें, कंसेप्ट है बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है। एक्चुअली फिजिक्स से बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत फिजिक्स से रिलेटेड भी है, ठीक है। इनफैक्ट ये फिजिक्स से ही रिलेटेड है चैप्टर, केमिस्ट्री कम लगेगा, फिजिक्स ज़्यादा लगेगा आपको। ओके स्टार्ट करते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा ये सब है, क्या बोलते हैं, ये आपको थियोरिटिकल है शुरुआत में, कंसेप्चुअल नहीं है, शुरुआत में कंसेप्चुअल नहीं है। शुरुआत में वो लोगों ने सब डिस्कवरी बताई है, जो कुछ आपने पढ़ी भी होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसका मैं आपको ये भी बता दूं, अभी से बता दूं कौन से टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो मिस कर दिया ना, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आप लोग मिस ना करो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये सब तो थियोरेटिकल है, वैसे तो सब कुछ पता होना चाहिए, बट एकदम जो एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, जिसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकती केमिस्ट्री में, वो ये टॉपिक यहाँ से। यहाँ से नहीं, ये भी नहीं है, 1 मिनट, यहाँ से। हालांकि मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, चैप्टर आप सोचोगे इतना लास्ट में इम्पोर्टेंट, ये पार्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूरी केमिस्ट्री इस पे बेस्ड है आगे की, ठीक है। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स वेरी इम्पोर्टेंट है, गलती से भी इसका लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है, बहुत ही आगे लास्ट में, हालांकि ये टॉपिक, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इसकी आइडिया अगर आपको आएगी तो ही आपको ये सब दिया हुआ इसमें बहुत कुछ, ये तभी आपको समझ में आएगा आगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, तभी आपको आगे जाके ग्रुप 1 एंड 2, पीरियोडिक टेबल 13, 14, 15 सब, और इनफैक्ट 12th के बहुत सारे चैप्टर्स जो भी है सब इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, इसके स्टार्टिंग में सब कुछ, इसके पहले जो भी मैं बता रहा हूँ, इसके पहले जो भी चीजें हैं वो सब फिजिक्स से रिलेटेड है, सब कुछ फिजिक्स है, ज्यादातर सब कुछ फिजिक्स से रिलेटेड है। इनफैक्ट ये 12th स्टैंडर्ड में वापस एक चैप्टर बन के आएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में एक चैप्टर बन के आएगा जिसका नाम है एएमएन, एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर, एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर, शॉर्ट में हम एएमएन बोलते हैं इसको। 12th में फिजिक्स में एक चैप्टर है एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर, जिसमें ये सारी चीजें आपको वापस दिखेगी, ऑलमोस्ट सब तो नहीं, ऑलमोस्ट 50% वापस यही दिखने वाला है, इससे ये समझ में आता है कि पूरा फिजिक्स ही है एक्चुअली, ठीक है। नीट के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री से, सब, पूरा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, एक भी चीज नहीं छोड़ सकते, सब जगह हर एक चैप्टर में से, हर एक जगह से क्वेश्चन आ सकता है, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। सौरभ आप पूछ रहे हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम के बेसिक, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हो तो आप कुछ भी नहीं इसमें से लेफ्ट ओवर कर सकते, क्या नहीं ये वाला नहीं करूंगा, तो कोई भरोसा नहीं, आपने पूरा चैप्टर किया और आपने एक पर्टिकुलर पेज छोड़ दिया, समझो ये मेरे को नहीं समझ रहा, मैं छोड़ दिया, उसी में से आ सकता है, तो फिर क्या कर लोगे आप, ने इतनी मेहनत की, पूरा चैप्टर पढ़ा और पता चला आपने जो पेज नहीं पढ़ा वहीं से आ गया, तो फिर तो एंट्रेंस एग्जाम चाहे वो नीट हो या जेई हो, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं आपको, एंट्रेंस एग्जाम में कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप, ये वाला पॉइंट मैं नहीं करके जाऊंगा तो भी चलेगा ना। हाँ हालांकि किस पार्ट पे ज्यादा स्ट्रेस देना है वो तो मैं आपको हमेशा बताता ही, जैसे मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में बार बार मैंने एक चीज दोहराई थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, तो मैंने आपको उसके रिलेशन भी बताया, सब कुछ बताया मैंने,
हालांकि उस केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो क्वेश्चंस है ना वो उतने डेप्थ में नहीं थे, नीट के अंदर थोड़ा हाई लेवल वाला आता है, वो हम बाद में करेंगे, अभी पहले इतना पहले बेसिक्स तो क्लियर करें सब, उसके बाद हम वापस नीट के लेक्चर्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ लेंगे, ठीक है। उसमें सब बेसिक्स दिया हुआ था, डेप्थ में नहीं दिया होता कुछ भी। केमिकल इक्विलिब्रियम जितना डिटेल में आता है एग्जाम में, उतना डिटेल में आपके बोर्ड की बुक्स में नहीं है, आपकी बोर्ड्स की बुक में उतना डिटेल में है नहीं, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी नहीं, बोर्ड्स की बात तो दूर है, एनसीईआरटी में भी नहीं है उतना डिटेल में, ठीक है। उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ। इसके अलावा मैंने हैबर्स प्रोसेस आपको बताया था, वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो जब कभी भी मैं कोई चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूँ तो वो आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा हमेशा आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके ये आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ पहले पैराग्राफ, कि उसमें कुछ इतना खास नहीं है, बस कोई वर्ड मिल गया तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले यही बताया गया था बहुत सालों पहले, है ना, अराउंड ये लोग बोल रहे 400 BC की, सबसे पहले ऐसा बताया गया था कि एक सबसे छोटी से छोटी चीज जो होती है वो एटम है। एटम एक ऐसी चीज है जो जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनफैक्ट एक बार एग्जाम ये भी आया हुआ है कि एटम का मीनिंग क्या है, एटम कहाँ से डराइव हुआ है। देखो, वर्ड एटम हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अटोमियो, वो भी लिखा है यहाँ पर, विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। एग्जाम में ये आया था, एटम का मतलब क्या होता है, ठीक है। आंसर इज नॉन डिविजिबल, आंसर इज नॉन डिविजिबल, एक ऐसी चीज जो हम और डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम एटम बोलते हैं। ग्रीक में वो चीज जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते उसको हमने क्या बोलते हैं, एटम, राइट। बट आज के अकॉर्डिंग क्या ये सही है? नहीं, एटम ऐसा है ही नहीं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। डेफिनेटली हम एटम को तोड़ सकते हैं, डेफिनेटली हम एटम को ब्रेक कर सकते हैं, किस में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ब्रेक तो कर सकते हैं, है ना। तो अभी वो सही नहीं है, एक्चुअली बहुत सालों पहले ऐसे बताया गया था कि सबसे छोटी से छोटी चीज जिसको हम डिवाइड और नहीं कर सकते वो एटम है, बट ऐसा अब नहीं है, ठीक है। हम एटम को ब्रेक कर सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और आप सबको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से क्या है सबको पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। उसके बाद तो कुछ लिखा नहीं है, उसके बाद देखो क्या लिखा है। द एटॉमिक थियोरी ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट प्रपोज ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन, अ ब्रिटिश स्कूल टीचर इन 88। वो सब कुछ नहीं है, उसकी थियरी इंपॉर्टेंट है, डाल्टन एटॉमिक थियरी, तो आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी, जो सबसे पहली थियरी आई थी एटम के ऊपर बेस्ड है वो डाल्टन की थियरी है, थियरी का नाम है डाल्टन एटॉमिक थियरी, ठीक है। उन्होंने भी यही बोला था, रिगार्डेड एज एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर, अल्टीमेट पार्टिकल मतलब सबसे स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल है वो, उनका भी यही मानना था, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ, डेल्टन्स एटॉमिक थियरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। ये लाइन आपको एज इट इज याद रखनी है, आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको मोल कंसेप्ट में ये सब समझाया था, मोल कंसेप्ट में ये तीन लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डेल्टन की जो थियरी है वो इन तीनों लॉ को एक्सप्लेन कर सकती है, डेल्टन की जो थियरी है वो इन तीनों लॉ को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकती है। हावेवर इट फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट, हालांकि फिर भी कुछ चीजें हैं जो नहीं बता पाए। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नोन दैट सब्सटेंस लाइक ग्लास और इबोनाइट वेन रब्ड विद सिल्क और फर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। को पता है अभी ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं वो लोग, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं, ये वो नहीं बता पाए थे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? ऑब्वियसली उनको नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, अल्टीमेट पार्टिकल क्या है, एटम। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट है ये किस वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। आप कभी कोई चीज को रब करते हो तो वहां से चार्ज दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है,
पर उस जमाने में उनको ये पता ही नहीं था ना कि इलेक्ट्रॉन करके कुछ होता है, उनको तो यही लगता था कि सबसे छोटी से छोटी चीज क्या है एटम, तो ऑब्वियसली वो ये फिनोमिना कैसे एक्सप्लेन कर पाई, इसलिए ये फिनोमिना वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि डेल्टन के अटोम डेल्टन के अकॉर्डिंग सबसे छोटी से छोटी चीज क्या है, एटम। ठीक है, ये सब थियोरिटिकल है। इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th एंड द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। दीज एस्टैब्लिश्ड दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए 19th सेंचुरी एंड द 20th सेंचुरी के अंदर, जिससे ये प्रूफ हो गया कि एटम इज नॉट द अल्टीमेट अल्टीमेट पार्ट ऑफ द मैटर, एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए। ठीक है, ऑब्वियसली किसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा है, किसी ने भी प्रोटॉन नहीं देखा है, किसी ने भी न्यूट्रॉन नहीं देखा है, सब एक्सपेरिमेंटली बताया गया कि हाँ ऐसे ऐसे होता होगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है, सिर्फ उन्होंने अंदाजा लगाया ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसी चीजें फॉलो हो रही है, उन्होंने जैसे अजम्पशंस लिए वो सब अजम्पशंस राइट हो रहे, इसीलिए उन्होंने को लगता है कि ऐसा हो रहा होगा, किसी ने इलेक्ट्रॉन थोड़ी देखा है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। ठीक है, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अ कंसेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एल्टन, वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डेल्टन। ऑब्वियसली डेल्टन ने तो बोला था कि सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल क्या है, एटम, बट 19th एंड द 20th सेंचुरी में बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे ये प्रूफ हो गया कि एटम डिविजिबल, एटम इज डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और दिस लीड दीज ऑल थिंग्स लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ में आया इतना, कोई डाउट है यहाँ पर? ये तो सब थियोरिटिकल है, ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्चुअल अब तक आया नहीं है, ये सब चीजें आपने स्कूल में भी पढ़ रखी हो, यहाँ पे कोई डाउट है? क्या लिखा है, जेई मेंस रियली टफ? नो, कोई भी एग्जाम टफ नहीं है साहिल, आप बोल रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आप पढ़ते नहीं हो, अगर आप पढ़ते नहीं हो तो सब डिफिकल्टी है, कोई भी एग्जाम टफ नहीं है, कोई भी एग्जाम टफ नहीं। और ये भी सही है कि उन्होंने आपको 2 साल दिए और वो 2 साल एकदम बराबर है टाइम, 2 साल में आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, चाहे वो जेई मेन्स हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, डेफिनेटली। आप सोच नहीं सकते आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, एकदम आपका स्टेटस एकदम अलग लेवल पे चला जाएगा अगर आप इन एग्जाम्स को क्रैक करते हो, है ना। आप चाहे नीट को क्रैक करके आप एमबीबीएस की फील्ड में चले जाओ, आप जहां जाओगे आपको रिस्पेक्ट मिलने वाला है, लिटरली ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, आप जहां पे भी जाओ आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाला है, स्टेटस काफी हाई लेवल पे चला जाएगा। ऑब्वियसली ये आपके हार्डवर्क पे तो डिपेंड करेगा आपका स्टेटस क्या होगा आगे जाके, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको नॉर्मल बीएससी भी टफ लगेगा, और सबसे बेस्ट है अगर आप आईआईटी कर लो तो और बेस्ट, लाइफ हर हर सेंस में बेस्ट हो जाती है ना, आप अपनी हर चीजों को फुलफिल कर सकते हो आगे, हर ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो, चाहे आप नीट के थ्रू एमबीबीएस के थ्रू आगे अगर बढ़ो तो भी सही है, और अगर आप इंजीनियरिंग के थ्रू जेई मेंस जेई एडवांस करो तो भी सही है, ये 2 साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिटरली। ठीक है, मैं अभी आपके क्लास में तक ऑफलाइन तो अब तक लेक्चर लेने नहीं आ पाया, बट मैं मोस्टली स्टूडेंट को ये सब चीजों के बारे में स्टार्टिंग में बताता रहता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपके लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 साल है, पढ़ाई नहीं की तो गए काम से। ठीक है, ध्यान रखो, आप जितना हो सके उतना इस टाइम को यूटिलाइज करो और पढ़ो, पढ़ोगे तो कोई भी इसमें से कोई भी एग्जाम टफ नहीं। एनसीईआरटी अभी से पढ़ना चालू करें, ऑब्वियसली हाँ एनसीईआरटी अभी से पढ़ना चालू करो, बट समझ के पढ़ना है, ऐसी ब्लाइंडली कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना टीचर्स बोल रहे उतना पढ़ो। आजकल तो वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल रहता है ना यूट्यूब पे, कुछ भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, किसी चैनल को अगर आप फॉलो करते हो तो वो देख सकते हो, किसी ट्रस्टेड चैनल को फॉलो करो और वहां पे देखो क्या लिखा है, क्या बोल रहे हो, डेफिनेटली आप मेरे हिसाब से तो बायोलॉजी तो पढ़ ही सकते हो एटलीस्ट, अगर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहे और एटलीस्ट जो सब्जेक्ट्स जो चैप्टर्स टीचर्स ने कम्प्लीट किया वो तो पढ़नी चाहिए आप एनसीईआरटी में। जैसे मैंने आप कौन सा चैप्टर पढ़ाया था, डाइजेशन पढ़ा दिया, उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, क्या बोल रहे हो अभी आप, बहुत ज्यादा टफ लगता है बोर्ड की बुक से एक्स्ट्रा रहता है, हाँ तो बोर्ड की बुक में अलग है, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि अगर आपको नीट क्रैक करनी, तो इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था
कि जिनको नीट एग्जाम देनी है वो लोग आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो। बोर्ड्स में क्या है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर, आप खुद से लिख के आ सकते हो कौन सा आपको रट्टा करके एक एक लाइन लिखनी है, कौन से जो चेक करने वाला होता है उस पर एक एक लाइन पता होती है, उसे कंसेप्ट देखता है कि हाँ आपको कंसेप्ट आ रहा है, मार्क्स दे देगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, अभी बाद में बात करेंगे इससे रिलेटेड और। ठीक है, मैं आपको जब क्लास में आऊंगा तो और बताऊंगा, बट मेरे हिसाब से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, नीट जेई पढ़ोगे तो अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें आपको पता है, वही लिखी हुई है। अब चल नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। अभी लाइन एक एक करके सबकी डिस्कवरी होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, एक एक करके आप सबकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई है सब एटॉमिक पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, सबकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई है। देखते क्या लिखा है, इसलिए चैप्टर का नाम भी तो वही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के अंदर क्या है वो देखना है हमें। हाँ, इस पूरे पैराग्राफ में खाली इतना लिखा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी आपको पता होगा, ये भी आपने स्कूल से पढ़ा होगा। लाइक मीन्स क्या होता है, जो अगर सेम चार्जेस हुए तो रिपेल ही होंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी रिपेल करने वाला है। अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो क्या होने वाला है, अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी कोई अभी तक टफ नहीं है, अभी तक तो कुछ भी टफ नहीं है, है ना, सबको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। अब इसमें कुछ चीजें और है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, कुछ बेसिक्स है जो आपका समझ में आएगा, कुछ वर्ड्स आने वाले। एक वर्ड आने वाला है डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब याद रखो, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर वैक्यूम होता है। ये जो ट्यूब, ये आपको ट्यूब दिख रही है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब वो ट्यूब होती है जिसके अंदर वैक्यूम होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी गैस नहीं है। देखो यहाँ पे लगाया हुआ है, वैक्यूम पंप से क्रिएट किया गया, सॉरी वैक्यूम पंप से उसको कनेक्ट किया गया। आप देख सकते हैं ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को किससे कनेक्ट किया है, वैक्यूम पंप से। क्यों, वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट करना, जितना भी इसके अंदर गैसेस है सबको बाहर निकाल लेना, खींच लेना, ताकि उस ट्यूब के अंदर क्या क्रिएट हो जाए, वैक्यूम। इस ट्यूब के अंदर क्या क्रिएट हो जाए, वैक्यूम। अभी देखो साइंटिस्ट लोगों को पहले जमाने में कुछ काम धंधा नहीं था, लिटरली क्या क्या चीजें करते थे, मतलब यूनिक है ये सब चीजें। क्यों, एक्चुअली रीजन एकदम क्लियर है, उस जमाने में व्हाट्सएप फेसबुक ये सब तो होता नहीं था। मैं तो यही बोलता हूँ हमेशा, अगर होता तो कितना लाइफ आसान होती हमारी, सोचो ये सब पढ़ना ही नहीं पड़ता हमें इतना सब कुछ, क्योंकि वो लोग भी यही सब चीजों में बिजी होते हैं, पर ऐसा था नहीं उस जमाने में, टीवी ये सब तो था नहीं, तो उन लोग के पास करने के लिए कुछ होता नहीं था, तो कुछ भी करते थे वो लोग। और लिटरली मेरा तो यही मानना है, कुछ भी किया देखो उनको कैसे तो पता चला ऐसा होता है। अब आप सोचो नॉर्मली आप जब अपने रूम में बैठे हो तो आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है या गैस है, नहीं कंडक्ट हो सकता है ना। समझो आपने स्विच ऑन किया आपके घर के अंदर कोई भी बोर्ड का, तो क्या आप, आपको ऐसे ही करंट लग जाएगा, आप साइड में कहीं बैठे हो और करंट लग जाएगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि गैस के थ्रू थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, गैस के थ्रू थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, नहीं हो सकती। अभी सोचो उनका दिमाग तो देखो कहाँ चला गया, उन्होंने देखा कि गैस के थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, क्या वैक्यूम से हो सकती है, देखो उन्होंने वही किया, हो सकती है, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि आप देखो क्या होने वाला है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप से क्रिएट किया, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक्चुअली जरूर एकदम वैक्यूम नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर गैस पार्टिकल है बट बहुत कम है, बोल सकते एकदम लो प्रेशर, एकदम लो प्रेशर। पता है लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, लो प्रेशर का मतलब होता है कि उसमें गैस पार्टिकल है तो सही बट बहुत दूर दूर है, उसको तो बोलते हैं प्रेशर, लो प्रेशर। तो उन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप से उसको कनेक्ट किया और उसमें से जितना भी गैस था सब बाहर निकाल दिया, हार्डली कुछ अंदर है, बोल सकते हैं उन्होंने एकदम लो प्रेशर पर लेके आ गए। तो याद रखना डिस्चार्ज ट्यूब, क्या लिखा आपने, ओके 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 लेंड्रा, ठीक है कोई बात नहीं। वो उन्होंने टेस्ट करने के लिए अलग अलग गैस को उन्होंने टेस्ट किया, वो बात अलग है, बहुत बहुत डिटेल हो गया। अभी के लिए इतना समझो कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर प्रेशर बहुत कम होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई वोल्टेज कनेक्ट करते हैं। याद रखना डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब, डिस्चार्ज ट्यूब वो ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है, प्रेशर एकदम लो होता है, बहुत लो होता है, और उसके अंदर वोल्टेज बहुत हाई होता है। वोल्टेज आप देख सकते हो, इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, आप क्लियर देख सकते हो लिखा हुआ हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। अभी के लिए इतना याद रखो कि डिस्चार्ज ट्यूब करके एक वर्ड आने वाला है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है वो ध्यान रखना, क्या होता है डिस्चार्ज ट्यूब, वो ट्यूब जिसके अंदर प्रेशर बहुत लो है
और वोल्टेज बहुत हाई है। जब ऐसा किया गया तो देखा उन्होंने कि करंट पास हो सकता है, करंट पास हो सकता है, ये सब चीजें ध्यान रखना है। तो डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब पता होना चाहिए आपको फिलहाल के लिए, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इसका, एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इतना फिलहाल डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की वो याद रखना, माइकल फैराडे 1830, माइकल फैराडे शोड दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शंस अकर्ड एट द इलेक्ट्रोड व्हिच रिजल्टेड इन द लिबरेशन एंड द डिपोजिशन ऑफ मैटर एट इलेक्ट्रोड्स। ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज व्हिच यू विल स्टडी इन द क्लास 12, डेफिनेटली आपको एक चैप्टर आने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको फैराडेज ने सोल्यूशन के अंदर बताया था इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। यहाँ आपको कंसर्न वो सब आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतना याद रखो, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो कि 12th स्टैंडर्ड में आपको एक टॉपिक आने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें साइंटिस्ट आने वाला है माइकल फैराडे। उन्होंने क्या किया था, सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, एक इलेक्ट्रोड पे क्या लिबरेट होने वाला है, कितना लिबरेट होगा, ये सब बताया है दो लॉस की मदद से। इसका नाम भी यही रखा हुआ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है, फैराडे ने बताया था सर। ठीक है, दिस रिजल्ट सजेस्टेड द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस रिजल्ट्स सजेस्टेड द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके बाद इन मिड 1850s many scientists mainly Faraday began to study electrical discharge in partially evacuated tubes. देखो लिखा है partially evacuated मतलब पूरी तरह से evacuate नहीं किया है, पूरा तरह से इसको vacuum clear नहीं किया है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ chapter starting में बहुत ज्यादा अलग theoretical है, सिर्फ ध्यान दो, ज्यादा जहाँ important होगा जहाँ stress देना होगा मैं खुद बता दूंगा कि यहाँ पर आपको ध्यान देना ज्यादा, अदरवाइज ठीक है। ठीक है, ओके, उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज स्टडी करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किसमें, पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स क्या होते हैं, इनफैक्ट ये अभी भी यूज होते हैं, मतलब अभी तो नहीं यूज होते, पहले यूज होते थे टीवीज के अंदर, आप देख सकते हो टीवी के अंदर जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन होती है वो उसके पीछे इतना सारा, पहले अभी तो टीवी बहुत फ्लैट आती है, तो पहले अगर आप देखोगे तो मैं साइड से बता रहा हूँ, टीवी ऐसी दिखती है राइट, या फिर ऐसी दिखती थी है ना, यहाँ पे स्क्रीन होती है, ये समझो ये स्क्रीन है, तो ये इतना बड़ा जो एरिया ये क्या है, इसके अंदर क्या है, कैथोड रे ट्यूब होता था उसके अंदर क्या होता था, कैथोड रे ट्यूब, और टीवी उसी पे फंक्शन करती। अभी धीरे धीरे बहुत ज्यादा एडवांसेस होने लगे तो अभी ये सब चीजें हट गई है। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब के ऊपर ही बेस था टीवी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या लिखा, इट इज डिपिक्टेड, अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ, अभी थोड़ा बहुत उन्होंने बताया कि कैथोड रे ट्यूब किससे बनाया हुआ, तो कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेस ऑफ मेटल, आप क्लियर देख सकते हो टू थिन पीसेस ऑफ मेटल, ये देखो एक ब्लू कलर में है एक रेड कलर में। ठीक है कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स, सील्ड इन इट, उसके अंदर सील्ड किए हुए, ओके सील्ड इन इट। उसके बाद क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस, देखो लिखा है द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व, मैंने यही बोला आपको कि गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, गैस के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, बट कब देखो लिखा है द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेजेस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पर स्ट्रेस देना जरूरी है, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैस, गैस के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है तो कैसे हो सकता है पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब प्रेशर बहुत लो है और वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है, तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। ठीक है, और ऐसी ऐसी जो ट्यूब बनाई गई है उसका हमने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब, उसको हमने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब, तो याद है डिस्चार्ज ट्यूब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रेशर बहुत लो होता है और वोल्टेज बहुत हाई होता है। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड By evacuation of glass tubes, है ना, अलग अलग गैस का प्रेशर को हम एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप से हम अलग अलग गैस का जो प्रेशर होता है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी आपने बोला था लैंड्रॉय कि हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेज इंट्रोड्यूस करते हैं इस ग्लास ट्यूब के अंदर,
है ना, इस ट्यूब के अंदर हम अलग अलग गैसेस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और उस गैस का जो प्रेशर होता है उसको कैसे मेंटेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, ठीक है, वो लिखा हुआ है. When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, इस इलेक्ट्रोड के अक्रॉस अगर आप बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोड अप्लाई करोगे, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड. इसीलिए तो नाम ऐसा रखा गया. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान देना यहाँ पर, ये ट्यूब है समझो, ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब लिखा भी है नीचे, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. क्या है इसके अंदर आपको दिख रहा है, एक तो ग्लास है, उसके बाद दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एक नेगेटिव से कनेक्टेड है, और जिससे भी कनेक्टेड है, पर जो बैटरी ली गई है वो बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज वाली बैटरी है, बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज है. यहाँ से वैक्यूम पंप से इसको कनेक्ट करके इसमें से प्रेशर को लो कर दिया गया है, ठीक है. अब इसमें से हमने क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना है. तो क्या हुआ, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से इस प्लेट में से कुछ निकल के उस तरफ जा रहा था, इस प्लेट में से निकल के उस तरफ जा रहा था, इसीलिए तो नाम रख दिया उन्होंने कैथोड रे. कैथोड रे नाम क्यों रखा है, क्योंकि कैथोड में से निकल रहा है, कैथोड में से निकलेगा और एनोड की तरफ जाने वाला है, कैथोड में से निकलेगा और एनोड में, एनोड की तरफ जाने वाला है, इसीलिए उन्होंने नाम रख दिया कैथोड रे. इसीलिए उन्होंने नाम रखा कैथोड रे. याद रखना कैथोड रे कुछ नहीं होता एक्चुअली, अगर आपको आगे जाके पूछ ले कि कैथोड रे एक्चुअली होते क्या है, कैथोड रे इज इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कैथोड रे एक्चुअली किससे बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड रे कुछ और नहीं है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कोई अगर आपको पूछे कैथोड रेस क्या होते हैं एक्चुअली, तो कैथोड रेस एक्चुअली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना. एक और चीज जो मैंने अभी बताई आपको कि कैथोड रेस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. तो वही देखो, वो लिखा है सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड. एक मिनट, क्या लिखा है आपने, हाँ सही है लेनरा, मेटालिक प्लेट्स आर यूज्ड एज कैथोड एंड एनोड. मेटालिक प्लेट्स आर यूज्ड एज कैथोड एंड एनोड, ठीक है. मेटालिक प्लेट जो है उन्हीं को हम कैथोड और एनोड की तरह यूज करते हैं. इनफैक्ट वो तो वही है ना, कि वो वाला पार्ट जो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव पोल से कनेक्टेड है, उसको हमने कैथोड नाम दे दिया. जो पार्ट एनोड से कनेक्टेड है उसको हमने, सॉरी, जो पार्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसको हमने एनोड बोल दिया. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कैथोड. एक्चुअली ये बहुत बोर हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूस इसी को पढ़ोगे तो, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि आपको बोर भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत थियोरेटिकल एक्चुअली स्टार्टिंग. कोई बता सकता है व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कैथोड, एनीवन. आपका रेडॉक्स हुआ है ना तो आपको पता होगा, रेडॉक्स चैप्टर में यही तो है, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कैथोड, एनीवन. किसे आप कैथोड बोलोगे, सर्च करके, सर्च करने मत बैठ जाना मुझे. नेगेटिव पोल एक जिन ने आंसर दिया है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ओके नंदिनी आपने आंसर दिया, इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रो नेगेटिव कैथोड बोलते हैं. और क्या लिखा है आपने, द रॉड दैट अट्रैक्ट्स कटायंस, द इलेक्ट्रोड, एक्चुअली रॉड नहीं लिखते, इलेक्ट्रोड लिखते, नेगेटिव पोल टुवर्ड्स व्हिच पॉजिटिव आयंस गेट्स अट्रैक्टेड, ओके ठीक है ठीक है. देखो एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है, ठीक है. आपको पता है कैथोड, किसी ने अभी नंदिनी आपने जैसे बोला है कि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, नो डाउट कैथोड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज क्लियर है, बट आप जब 12th स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कैथोड पॉजिटिव भी होता है, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, ये क्या बात हुई कि कैथोड पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि कैथोड वो होता है, यहाँ पे क्या, किसने क्या लिखा है, जो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करते हैं, वो भी गलत हो जाएगा फिर. क्यों, क्योंकि अगर सोचो अगर अगर कैथोड पॉजिटिव हो गया तो फिर वो नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा. किसी ने क्या लिखा है अभी, कैटायन इज अ पॉजिटिव आयन व्हिच इज अटैच्ड टू द नेगेटिव, नहीं नहीं ये सब नहीं है. मैं आपको क्लियर का डेफिनेशन बताता हूँ, एकदम सिंपल डेफिनेशन है. कभी ठीक है, यहाँ पर भले ही लिखा है, ठीक है, यहाँ पर भले ही लिखा है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, ठीक है वो सही है, वो कुछ हद तक रॉन्ग भी नहीं है,
आप मेरी बात तो सुनो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, और उसको भूलना कभी भी मत, कि अगर आपको कैथोड की डेफिनेशन बोले तो क्या बोलोगे? कैथोड की डेफिनेशन एक्चुअली वो होती है एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर रिडक्शन होता है, दैट इज नोन एज कैथोड। ये कैथोड की डेफिनेशन। कैथोड एक ऐसा, कैथोड क्या होता है, वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर रिडक्शन होता है। आपने रेडॉक्स पढ़ा है ना, रिडक्शन अभी आपको पता होगा मेरे ख्याल से, क्या होता है रिडक्शन? रिडक्शन मतलब स्कूल वाला डेफिनेशन मत बताना, इनफैक्ट मैंने आपको पढ़ाया था रिडक्शन, रेडॉक्स स्कूल में भी, जितना मुझे याद है। तो मैंने आपको चार तरीके भी बताए थे रेडॉक्स के, मुझे याद है अच्छे से, तो बता सकता है अभी। अब मुझे स्कूल वाला डेफिनेशन नहीं चाहिए, कॉलेज का डेफिनेशन अगर आपको पता है तो बताओ रिडक्शन का मतलब क्या होता है। परफेक्ट, सही बोला है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर रिडक्शन होता है, जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज टर्म्ड एज, उसको हम कैथोड बोलते हैं, उसको हम कैथोड। इधर इधर वो डेफिनेशन वैलिड नहीं है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, इस एक्सपेरिमेंट में ये सब मत ढूंढने बैठना। एक्चुअली अगर आप इसके अंदर देखो, जो इलेक्ट्रोलाइसिस आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, उसमें ये एक्चुअली परफेक्ट सेट होता है, ठीक है ना। आप देखते हो ना, एक ये इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है ना। अगर समझो मैंने सोल्यूशन ले रखा है किसका, NaCl का सोल्यूशन, क्या लिया है NaCl, तो Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। समझो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये Na प्लस किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, है ना। करेगा क्या है वहां पर जाके, Na उसके पास जा रहा है, Na कर क्या रहा है एक्चुअली, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना। Na क्या करेगा एक्चुअली, Na एक इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लीज मेरी बातें सुनना, अगर नहीं भी समझ में आया डोंट वरी, अभी के लिए Na क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम बन जाएगा, पता है सबको ये, तो ही मैं आगे पढ़ा, तो अदरवाइज नहीं, सबको पता है ना इतना, कि इस इलेक्ट्रोड के पास सोडियम जाएगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na में, पता है ना इतना सबको, सबको पता है ना। तो ऑब्वियसली हो क्या रहा है वहां पर, वहां पे हो क्या रहा है, सोडियम वहां पे गया इस इलेक्ट्रोड के पास, और इस इलेक्ट्रोड ने एक्चुअली किया क्या, रिडक्शन, कैसे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एक्चुअली उसने किया क्या, एनायन ने वहां पे जो भी जो सोडियम गया, वो सोडियम एक्चुअली कर क्या रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो रिडक्शन एक्चुअली कहां पर हो रहा है, रिडक्शन एक्चुअली इस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, इसीलिए इसको हम कैथोड बोलते हैं। सिमिलरली एनोड क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, वो इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड बोलते हैं। कभी मत बोलना कि कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, गलत डेफिनेशन। स्कूल के अंदर ठीक है, स्कूल में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स को इतना समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है कुछ हद तक समझ में भी आता है, बट इतना डिटेल में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ी देर में लेक्चर रुक जाएगा, वापस कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगली बार से अगर आपको कोई भी, मैं चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपको इसलिए, हाँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताते रहता हूँ टॉपिक से हटके, मेरी आदत है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहे। तो अभी से अगर आपको कोई पूछे ना कैथोड क्या होता है, मैं ऐसे याद रखता था कैथोड, CR, आपको पता है CR का मतलब होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वैसे याद रख सकते हो आप, कैथोड रिडक्शन, एनोड ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं। कभी मत बोलना पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म्स में, यह आपको 12th स्टैंडर्ड में और क्लैरिटी देगा, ठीक है, समझ में आया सबको।